ये कहानी बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन की तरफ से ग्रेट एक्टर इरफान खान के लिए एक ट्रिब्यूट है। ये उनकी आखिरी हॉलीवुड मूवी थी। इस फिल्म में उन्होंने लीड रोल निभाया था और इस फिल्म का नाम है पजल। ये फिल्म शुरू होती है एक लेडी से जिसका नाम एग्निस है। ये एक हाउसवाइफ है जो अपने पति लुई और अपने दो बच्चों जिग्गी और गेब के साथ रहती है। एग्निस का पूरा समय अपने घर की देखभाल में चला जाता है। उसकी पूरी जिंदगी उसका घर है। उसे किसी चीज का कोई शौक नहीं होता, यहाँ तक कि वो एक स्मार्टफोन भी यूज नहीं करती। एग्निस के बर्थडे पर उसे बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं जिसमें एक स्मार्टफोन भी होता है, लेकिन एग्निस उसे चलाने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो अपने बेटे को बोलती है कि इस फोन को तुम रख लो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन उसकी फैमिली चाहती है कि वो इस फोन को यूज करे, वो दुनिया के साथ चले। एग्निस उस फोन को रख लेती है। अब एग्निस को जो बहुत सारे गिफ्ट्स मिले होते हैं, इसमें एक पजल गेम भी होती है और इसमें 1000 पीसेस होते हैं, और ये गिफ्ट एग्निस को सबसे पसंद आता है। और जब घर पर कोई नहीं होता तो एग्निस उस पजल को सुलझा देती है। वो चंद ही मिनटों में उस पूरे पजल को सॉल्व कर देती है, जो कि इतना आसान नहीं होता। एग्निस एक आदर्श पत्नी, आदर्श माँ है। वो रोज चर्च जाती है, वो सब काम करती है जो एक आदर्श इंसान करता है। लेकिन इन सब कामों में कहीं ना कहीं एग्निस अपने आप को, अपनी खुशियों को भूल चुकी है। वो वही काम करती है जो उसके परिवार के हित के लिए हो। अब एग्निस को वो पजल सुलझाना इतना अच्छा लगता है कि वो उस आदमी को फोन करती है जिसने उसे वो गिफ्ट किया था, और वो उस शॉप का एड्रेस उससे मांगती है, और वो उस जगह पर जाती है जहां पर उस शॉप होती है। वो शॉपकीपर को दो पजल्स दिखाती है और उससे पूछती है कि मुझे इन दोनों में से कौन सा खरीदना चाहिए। वो कहता है इस हर एक में 1000 पीसेस हैं और ये कभी सॉल्व नहीं होते। एग्निस कहती है कि मैं ये दोनों खरीदना चाहूंगी। एग्निस देखती है वहीं पर एक एडवर्टीजमेंट लगी होती है जिसमें लिखा होता है कि एक पजल पार्टनर की जरूरत है। एग्निस शॉपकीपर से पूछती है कि ये क्या है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये यहाँ पर किसने लगाया है, दरअसल मैं यहाँ पर नहीं बैठता, ये मेरे फादर की शॉप है। एग्निस उस नंबर को वहां से ले लेती है और वो घर पहुंचने के बाद वो पजल जो वो अभी अभी खरीद कर लेकर आई है वो उसे कुछ ही देर में सॉल्व कर देती है। और इसके बाद वो उस नंबर पर जो वो शॉप से लेकर आई थी उस पर मैसेज करती है। वो लिखती है कि मुझे लगता है कि मैं पजल्स को सॉल्व करने में अच्छी हूँ। वहां से मैसेज आता है हाउ गुड, यानी कितनी अच्छी। वो कहती है काफी अच्छी। अगले दिन वो चर्च जाती है और चर्च से वो सीधा उस जगह पर जाती है जिस नंबर पर उसने मैसेज किया होता है। ये एक आदमी का घर होता है जिसका नाम रॉबर्ट होता है, और रॉबर्ट का किरदार इरफान खान ने निभाया है। रॉबर्ट उसे बोलता है कि मुझे एक पजल पार्टनर की जरूरत है क्योंकि यहाँ पर एक चैंपियनशिप होने वाली है जिसमें दो लोगों की जरूरत होती है। रॉबर्ट उसे यह भी बताता है कि पिछले साल मैंने एक कंपटीशन जीता था, लेकिन वो सिंगल्स का था। एग्निस रॉबर्ट से पूछती कि आपके पार्टनर का क्या हुआ। रॉबर्ट बोलता है तुम्हें कैसे पता कि मेरी कोई पार्टनर थी। एग्निस बोलती कि अगर तुम्हारे पास कोई पार्टनर नहीं होता तो तुम कभी भी डबल्स के लिए साइन इन करती नहीं। रॉबर्ट कहता है कि वो मुझे छोड़कर चली गई। रॉबर्ट एग्निस को एक पजल गेम सुलझाने के लिए देता है क्योंकि वो चेक करना चाहता है कि वो इसमें कितनी अच्छी है, और एग्निस कुछ ही देर में उस पजल को सॉल्व कर देती है। इस बात से रॉबर्ट बहुत खुश होता है और वो उसे कहता है कि हमें हफ्ते में 2 बार मिलना होगा क्योंकि हमें प्रैक्टिस करनी है, और 1 महीने बाद ये कॉम्पिटिशन होगा। और ये दोनों ये डिसाइड करते हैं कि ये मंडेज को और वेंसडेज को प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। एग्निस उससे पूछती है कि तुम्हारी पार्टनर तुम्हें छोड़कर क्यों चली गई। रॉबर्ट उसे बताता है कि दरअसल वो मेरी पत्नी थी, एक दिन वो बिना कुछ कहे यहाँ से चली गई। एग्निस पूछती है क्या वो पजल में बहुत अच्छी थी। रॉबर्ट बोलता है कि वो तुम्हारी जैसी नहीं थी, तुम बहुत ही बेहतरीन हो। एग्निस घर आ जाती है और घर आकर वो अपने परिवार को कहती है कि उसकी आंट के पैर में फ्रैक्चर हो गया है, इसीलिए हफ्ते में 2 बार उसे अपने आंट के घर पर उसकी मदद करने के लिए जाना होगा।
और ऐसा उसे कम से कम एक महीने तक करना होगा। एग्नेस अपनी आंट की मदद का बहाना इसलिए करती है क्योंकि वो जानती है कि अगर वो ये कहेगी कि उसे पजल प्रैक्टिस करने के लिए किसी के साथ जाना है, किसी से मिलना है, तो उसका पति उसे कभी भी इस चीज के लिए अलाउ नहीं करेगा। हालांकि ये कहने के बाद भी उसे उसका पति लुई अलाउ नहीं करता। वो कहता है कि वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है, उनका अपना परिवार भी है, तुम्हें अपना ध्यान देना चाहिए। और वैसे भी गैराज में इनवॉइस का बहुत सारा काम है, तुम उस काम में मेरी मदद कर सकती हो। एग्नेस बोलती है कि ठीक है, मैं उन्हें फोन करके बोल दूंगी कि मैं हफ्ते में 2 दिन नहीं आ सकती। लुई कहता है कि 1 दिन भी नहीं। एग्नेस कहती है ठीक है, लेकिन वो ये कहने के बाद भी फिर दोबारा रोबोट से मिलने के लिए जाती है क्योंकि उसे पजल सुलझाना, रोबोट की बातें सुनना, ये सब अच्छा लग रहा होता है और साथ ही साथ ये उसके जीवन में एक नया बदलाव होता है। रोबर्ट एक इन्वेंटर है, इसीलिए उसे काम करने की कोई जरूरत नहीं होती, वो बहुत पैसे वाला होता है। रोबर्ट जब एग्नेस से दूसरी बार मिलता है तो वो उसे बताता है कि तुम कंफर्टेबल नहीं रहती। वो कहते कि हाँ, मैं कंफर्टेबल नहीं रह पाती क्योंकि शायद मेरा दिमाग कहीं और ही रहता है। रोबोट उसे बताता है कि तुम्हारे पास कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसे करने में तुम अपना दिमाग इस्तेमाल करो, या कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिससे तुम अपने दिल की बात कर सको, और इसीलिए आप घबराते हो और अपने दिमाग को बेकार के कामों में उलझा के रखते हो। पजल सॉल्व करना आपके लिए एक बेकार का काम है, लेकिन इस काम में आपके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही कमाल के हैं, और अगर आपने अपने आप को थोड़ा सा और पॉलिश कर लिया तो हम ये कंपटीशन जीत जाएंगे और इसके बाद हमें बेल्जियम जाने का मौका मिलेगा जहां पर वर्ल्ड जिग्सो पजल फेडरेशन कंपटीशन होगा। एग्नेस रॉबर्ट की सारी बातें समझ जाती है। दरअसल एग्नेस एक परिवार में रहने के बाद भी अकेली है, उसके पास ऐसा कोई भी काम नहीं होता जो वो अपनी मर्जी से करती हो, वो सिर्फ दूसरों के लिए जीती है। अब एग्नेस यहाँ से सीधा अपने पति के गैराज में जाती है जहाँ पर उसके पति के साथ उसका बेटा जिगी भी काम करता है। वहाँ पर जिगी अपनी मॉम को बताता है कि मुझे इस काम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि ये काम डैड ने मुझे भीख में दिया है और मैं इस काम को बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। मैं कुकिंग करना चाहता हूँ, जब मैं घर पर अकेला होता हूँ तो मैं कुकिंग शो देखता हूँ, मैं वो काम करना चाहता हूँ जो आप करती हैं, ना कि वो जो कि डैड करते हैं। एग्नेस बोलती कि मैं तो ऐसा कुछ भी खास नहीं करती। जिगी बोलता है कि आप मजाक कर रही हैं, आप एक साथ कई काम करती हैं और आप अपने हर काम में बहुत बेहतरीन हैं। ये सुनने के बाद एग्नेस को खुशी होती है। वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट का जिंदगी जीने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। वो वही काम करता है जो उसे अच्छा लगता है, वो दुनिया के पीछे, भीड़ के पीछे नहीं जाता। रॉबर्ट एग्नेस को बताता है कि उसे बच्चे पसंद नहीं है, इसीलिए कभी उसने फैमिली प्लानिंग नहीं की। रॉबर्ट कहता है कि बच्चे सिर्फ उन्हीं की होने चाहिए जिन्हें बच्चों से प्यार है, जो बच्चों को सच में पाल सकते हैं। आजकल लोग फैशन के लिए बच्चे पैदा करते हैं। और वो उसे ये भी बताता है कि जो पहले उसकी पजल पार्टनर थी, दरअसल वो उसकी पत्नी थी जो उसे अब छोड़कर जा चुकी है। रॉबर्ट उसे कहता है कि हो सकता है कि तुम्हें मेरी बातें अजीब लगे। वो कहती है कि नहीं, तुम्हारी बातें अजीब नहीं है, थोड़ी सी अलग है, उन सब से अलग जिन सब को मैं जानती हूँ। इसके बाद एग्नेस घर आ जाती है। घर आने के बाद वो देखती है कि उसके पति की बहन भी वहां पर होती है। दरअसल आज एग्नेस को एक मीटिंग में जाना था जो भूल चुकी होती है, और ऐसा एग्नेस ने पहली बार किया होता है। एग्नेस कहती है कि मैं अपनी आंट के घर पर गई थी क्योंकि उनके पैर में चोट लगी हुई है। हालांकि वो झूठ बोलती है, लेकिन ये झूठ भी उसके पति लुई के लिए झूठी है क्योंकि उसने लुई से पहले ये कहा था कि वो अपनी आंट के यहाँ पर नहीं जाएगी। इस बात से उन दोनों के बीच में थोड़ी सी आर्गुमेंट्स होती है। एग्नेस इसके बाद बाहर जाती है जहां पर उसका बड़ा बेटा जिगी भी होता है। जिगी को दरअसल एग्नेस ने फोन करके ये बोला था कि वो चर्च की किसी मीटिंग में है, और घर आने के बाद वो ये बोलती है कि वो अपनी आंट के पास गई थी। जिगी बोलता है मॉम मुझे कुछ नहीं जानना, बस मैं ये चाहता हूँ कि आप खुश रहें। जिगी अपनी मॉम से ये भी बोलता है कि आपने डैड को डाइवोर्स क्यों नहीं दिया, मैंने आपको उनके साथ कभी भी खुश नहीं देखा। उसकी मॉम कहती है कि माँ और बेटे के बीच में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। जिग्गी सिगरेट पी रहा होता है। एग्नेस कहती है कि मुझे भी एक सिगरेट दो, और एग्नेस भी अपने बेटे के साथ सिगरेट पीती है। हालांकि उसने अपनी जिंदगी में आज पहली बार सिगरेट पी होती है। अगली सुबह जब एग्नेस उठती है तो हर रोज की तरह वो अपने पति लुई को उठाती है, और हर रोज की तरह लुई बोलता है 5 मिनट और सोने दो। एग्नेस कहती है कि चाहो तो 2 घंटे और सो जाओ। ऐसा जवाब एग्नेस ने उसे पहली बार दिया था।
पहले एग्नेस हर 5 मिनट बाद उसे उठाने जाती थी, लेकिन अब एग्नेस का दिमाग बहुत हद तक बदल चुका है और इस सब के पीछे रॉबर्ट की बातें उसका साथ एक बहुत बड़ा कारण होता है और धीरे धीरे ये एक दूसरे के करीब भी आ जाते हैं। रॉबर्ट एग्नेस को किस करने के लिए बोलता है, लेकिन एग्नेस मना कर देती है। एग्नेस को इस बात का बहुत ज्यादा बुरा नहीं लगता क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी रॉबर्ट को पसंद करती है। अब एग्नेस अपने पति लुई के साथ उस जगह पर जाती है जहां वो हमेशा छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं। ये उनका एक और घर होता है जो झील के किनारे होता है। एग्नेस अपने पति को बोलती है कि हमें ये घर बेच देना चाहिए ताकि हम अपने दोनों बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठा सकें। दरअसल लुई का काम बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से ये अपने छोटे बेटे की कॉलेज की फीस जमा करने में असमर्थ होते हैं। लुई बोलता है कि मैं इस बारे में सोचूंगा। अब जब ये वापस वहां से घर आ रहे होते हैं तो रास्ते में एग्नेस बता देती है कि मैं एक पजल कंपटीशन में हिस्सा ले रही हूँ। लुई पूछता है कि इस कंपटीशन में कितने लोग हिस्सा ले रहे हैं। एग्नेस बोलती है लगभग 360 लोग। लुई बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छा आइडिया है। एग्नेस कहती है कि मैं तुमसे पूछ नहीं रही बल्कि मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम मुझे इसमें सपोर्ट करो चाहे ना करो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इस कंपटीशन में हिस्सा जरूर लूंगी। और साथ ही साथ एग्नेस अपनी आंट से मिलने के लिए भी जाती है जिनके पैर में फ्रैक्चर हुआ होता है। वो अब सारे काम वो करती है जो उसका मन करता है। हालांकि लुई ने उसे उसकी आंट के घर जाने के लिए मना किया था, उसका कहने का मतलब ये था कि लोग तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एग्नेस को ऐसा नहीं लगता, इसीलिए वो अपनी आंट से मिलने के लिए जाती है। और जब वो पजल प्रैक्टिस के लिए रॉबर्ट के यहाँ जाती है और वो वापस घर आ रही होती है तो घर आने से पहले वो रॉबर्ट को किस करती है। घर आने के बाद जब शाम को लुई आता है तो वो देखता है कि फ्रिज में उसकी चीज नहीं होती और वो ये बात एग्नेस से पूछता है। एग्नेस बोलती है कि मैं लाना भूल गई। रॉबर्ट बोलता है कि तुम्हें पता है कि मुझे चीज चाहिए होती है, तुम्हें लानी चाहिए थी, तुम्हें याद होना चाहिए था। एग्नेस बोलती है I'm sorry, मैंने कहा ना मैं भूल गई। और अगले दिन जानबूझकर एग्नेस उसके लिए वो चीज नहीं लाती। और जब शाम को लुई घर आता है तो वो देखता है कि एग्नेस ने डिनर नहीं बनाया होता बल्कि वो पजल सॉल्व कर रही होती है। लुई बोलता है कि डिनर का है, वो कहती है कि मैं भूल गई। लुई कहता है क्या तुम मेरे लिए चीज लाई, वो कहती नहीं मैं ये भी भूल गई। इस बात से लुई को गुस्सा आता है, वो कहता है कि मैं दिन भर मेहनत करता हूँ। लेकिन उनका बेटा जिग्गी बोलता है कि डैड आप बिल्कुल चिंता मत करें, आप जाइए 10 मिनट में मैं सब कुछ तैयार कर दूंगा। रॉबर्ट बोलता है कि ये सब गलत हो रहा है और वो वहां से जाने लगता है। एग्नेस बोलती है कि जा रहे हो तो वापस मत आना। और तभी उसका पजल भी कंप्लीट हो जाता है। वो कहते हैं कि अब मैं तुम सबके लिए खाना बनाती हूँ, वो सबके लिए डिनर बनाती है। और डिनर टेबल पर लुई बताता है कि मैंने अपना दूसरा घर बेच दिया है और इससे जो भी पैसा मिलेगा वो तुम दोनों के लिए गिफ्ट होगा। वो अपने बच्चों को ये बात बोलता है। वो अपने छोटे बेटे गेब को बोलता है कि तुम अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर सकते हो और अपने बड़े बेटे जिगी से कहता है कि तुम अपने लिए घर खरीद सकते हो। गेब कहता है कि नहीं, मैं कॉलेज जाने से पहले 1 साल के लिए तिब्बत जाना चाहता हूँ, क्योंकि गेब की जो गर्लफ्रेंड होती है वो तिब्बत को फॉलो करती है। हालांकि एग्नेस ये नहीं चाहती, लेकिन लुई कुछ नहीं कहता क्योंकि उसने अपने बच्चों को कहा होता है कि ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। गेब कहता है कि ट्रेवल करना भी एक तरह की एजुकेशन है और 1 साल बाद जब मैं तिब्बत से वापस आऊंगा उसके बाद मैं अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर सकता हूँ। एग्नेस अपने बड़े बेटे जिग्गी को बोलती है कि जब ये बेवकूफ अपने पैसों से तिब्बत जा सकता है तो मुझे लगता है तुम्हें भी किसी कुकिंग स्कूल में एडमिशन ले लेना चाहिए। इस बात से लुई इत्तेफाक नहीं रखता, वो कहता है कुकिंग करना लड़कियों का काम है। एग्नेस कहती है कि इस दुनिया में जितने बड़े शेफ्स हैं वो सब के सब मेल हैं। लुई अपने बेटे से कहता है क्या तुम मेरे साथ गैराज में काम करना नहीं चाहते। जिग्गी इस बात का कोई जवाब नहीं देता और लुई अपनी पत्नी से कहता है कि तुमने मेरे बेटे को मेरे खिलाफ कर दिया है। जिग्गी कहता है कि नहीं डैड, ये मेरा फैसला था। इस बात से गुस्सा होकर लुई वहां से चला जाता है और वो बहुत सारी शराब पीकर आता है। और वो एग्नेस से कहता है कि वो कौन है जो तुम्हारे दिमाग में सारी फालतू की बातें डाल रहा है, जानती हो मेरे पिता मेरी माँ के साथ ऐसा करने पे क्या सलूक करते थे, लेकिन मैं अपने पिता जैसा नहीं हूँ और ना ही उनके जैसा बनना चाहता हूँ। लुई इस बात से परेशान हो जाता है। हालांकि लुई भी एक अच्छा इंसान होता है, लेकिन उसे ये बात एक्सेप्ट नहीं हो रही होती कि एग्नेस अब अपनी मर्जी से काम करती है, क्योंकि पहले एग्नेस सिर्फ वही काम करती थी जो लुई बोलता था, जिसमें लुई को खुशी मिलती थी। अगले दिन एग्नेस दोबारा से रॉबर्ट के साथ प्रैक्टिस करने के लिए जाती है और इस बार ये दोनों फिजिकली बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं।
एग्नेस को घर पहुंचने में बहुत देर हो जाती है। लुई वहां पर एग्नेस का इंतजार कर रहा होता है और लुई समझ जाता है कि कुछ ना कुछ चल रहा है। वो एग्नेस से पूछता है, क्या तुम्हारा अफेयर चल रहा है? एग्नेस सब कुछ सच सच बता देती है। वो कहती है कि वो मेरा पजल पार्टनर है और वो ये भी बता देती है कि हम दोनों फिजिकली एक बार बहुत क्लोज आ चुके हैं। इस बात से लुई को बहुत दुख होता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो वहां से बिना कुछ कहे चला जाता है। इसके बाद एग्नेस भी बहुत दुखी हो जाती है। अब वो दिन आता है जिस दिन एग्नेस का कॉम्पिटिशन है। एग्नेस का बेटा सुबह जल्दी उठकर सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। वो अपनी मॉम से कहता है कि आज आपका खास दिन है, इसलिए ब्रेकफास्ट मैं बनाऊंगा, आप अपनी एनर्जी कॉम्पिटिशन के लिए बचा के रखिए। अब एग्नेस उस जगह पहुंच जाती है जहां पर कंपटीशन है और वहां पर रोबर्ट और वो दोनों मिलकर पजल सुलझाना शुरू कर देते हैं। यहां पर और भी बहुत सारी टीम्स होती है। रोबर्ट उसको उस तरीके से पजल सुलझाने के लिए कहता है जैसा उसने टेक्निकली उसे सिखाया होता है। एग्नेस बोलती है कि सभी उसी तरीके से कर रहे हैं, अगर हम उस तरीके से करेंगे या तो सेकंड आएंगे या थर्ड, हम जीत नहीं पाएंगे। और वो अपनी मर्जी से उस पजल को सॉल्व करती है और इस तरह से पजल सॉल्व करने से वो इस कंपटीशन में फर्स्ट आते हैं। और इस कंपटीशन को जीतने के बाद अब इन्हें बेल्जियम में इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए जाना है। रोबर्ट पूरी तरह से तैयार होता है और वो एग्नेस को कॉल करता है। वो कहता है कि इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ने के लिए 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचना पड़ता है, तुम कहाँ हो? एग्नेस कहती है कि मैं नहीं आ रही। रोबर्ट कहता है कि ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें मिस करता हूँ। एग्नेस कहती है कि मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ लेकिन मैं नहीं आ सकती, और ये कहकर वो फोन को डिस्कनेक्ट कर देती है। और अंत में ये दिखाया जाता है कि वो अपना बैग लेकर कैनेडा मॉन्ट्रियल जा रही है, उसके साथ कोई नहीं है। लेकिन अब वो अपनी जिंदगी जीना चाहती है। आज से पहले उसने अपनी जिंदगी सिर्फ दूसरों के लिए जी थी। शादी से पहले वो अपने पिता के साथ रहती थी और वहां पर भी उसका जीवन इसी तरह से मोनोटोनस था जिस तरह से शादी के बाद था। लेकिन उसकी जिंदगी में रॉबर्ट के आने से इस पजल गेम के जरिए उसकी जिंदगी को एक नया दृष्टिकोण मिला और अब वो अपनी आगे की जिंदगी उसी तरह से जीना चाहती है जिसमें उसे खुशी मिले और किसी को कोई तकलीफ ना मिले। इस पूरे पजल गेम ने उसकी जिंदगी के सारे पजल्स को सुलझा दिया है। बेसिकली इस कहानी में हमें ये समझाने की कोशिश की गई है कि हमें अपनी मर्जी से अपनी शर्तों पर जीना चाहिए। जब आप अपने आप से प्यार करते हैं, आपका मन खुश होता है, आपको आजादी का एहसास होता है, तो आप दूसरों की जिंदगी में भी एक अहम रोल अदा करते हैं, जिस तरह से रोबर्ट ने एग्नेस की जिंदगी में एक अहम रोल अदा किया था जिसकी वजह से एग्नेस का पूरा जीवन बदल गया। उसे एक सही दृष्टिकोण मिला और अपने सही दृष्टिकोण से उसने अपने बेटे की जिंदगी में भी वही किया। उसने अपने बेटे जिगी की जिंदगी, उसके सपनों को तवज्जो दी, महत्व दिया और उसे वो करने के लिए प्रोत्साहित किया जो वो करना चाहता था। एक सही सोच, एक अच्छी सोच आपके आसपास हमेशा बदलाव, खुशियां और अच्छी चीजें लेकर आती है। तो ये थी कहानी मूवी पजल की। ये फिल्म सन 2018 में आई थी। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।